मैं समझदा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधान श्री अश्विनी शर्मा के उत्ते जिहड़ा कल हमला होया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जिहड़ी है वो गल मैं उहदी निखेधी भी करदा क्योंकि सभ्यक समाज के विच हिंसा की कितें भी कभी कोई थां नहीं होती और हिंसा के नाल कभी भी कोई वड्डी प्राप्ति जिहड़ी है वो नहीं हो सकती। इस करके बड़ी मंदभागी इंसीडेंट है। इन्ना शुक्र है कि उन्होंने कोई फिजिकली नुकसान नहीं होया पर जो कुछ भी होया बहुत माड़ा होया उसकी मैं निखेधी कर। और यह हमेशा होंदा है कि जदों भी कोई एजिटेशन प्राप्ति वाले पासे वधदा जिवें किसानां दा अंदोलन है बहुत मेहनत दे नाल किसान जथेबंदियां ने बड़ी सियाणप दे नाल लोकां दा सहयोग लै के किसानी हितां दी प्राप्ति वास्ते जिहड़ा संघर्ष है उहनूं सिखर दे उत्ते पहुँचाया हुआ और सारियां किसान जथेबंदियां दे आगू बड़े मच्योर आगू ने बड़े सियाणे आगू पर यह हमेशा देखण दे विच आया कि जदों कितें कामयाबी होण दे नेड़े हुंदी है तो बहुत सारियां इहो जिहियां शक्तियां हुंदियां जिहड़ी संघर्ष नूं तार पिंडो करन वास्ते कुछ जिहियां साजिशां रचदियां। इन्हां लोकां तों वी सारे जिहड़े इन्हां नूं किसान जथेबंदियां नूं वी सुचेत होण दी लोड़ है क्योंकि सूबे दे विच अमन शांति भाईचारक सांझ जिहड़ी है वो रहनी चाहिए है। अमन अमान नाल हर एक का हक है कि वह प्रोटेस्ट करे और मैं सूबे की सरकार नूं भी केंद्र की सरकार नूं भी कहनी चाहुंदा कि किसानां दे नाल गलबात करके इमीजिएटली उन्हां दे मसले हल भी किए जाए क्योंकि अननसैसरी जिहड़ी डरे है इहदे करके ही कई तरह दीआं शक्तियां नूं जिहड़ा वह मौका मिल जाता। इस करके उन्हां दीआं जिहड़ियां हकी मंगां ने वह सुनिया जाणियां चाहीदियां उन्हां दे हल भी निकलने चाहीदे है पर सारियां धिरां नूं मैं यह भी बेनती करदा कि अमन अमान दे नाल शांति दे नाल सानूं भाईचारक सांझ जिहड़ी है अपनी वह बना के रखनी। मैं भी यही महसूस करदा कि क्योंकि किसान जथेबंदियां दे आगू बड़े सियाणे ने बड़े धीरज वाले ने यह जाण बुझ के उन्होंने संघर्ष नूं तार पिंडो करन दी वड्डी साजिश हो सकती है इह तों इनकार नहीं किया जा सकता। मैं भी यही गल कहना जो अश्विनी शर्मा जी कह रहे अज्ज जो बाकियां ने इंडिपेंडेंट सोर्सेस ने कहा इस करके इहदी जांच होनी चाहिए तह तक कि कौन लोग सी और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।